महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में पार्टी नेताओं की बैठक। नहीं सुलझा मामला तो शिवसेना तोड़ सकती है बीजेपी के साथ गठबंधन। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ चीफ जस्टिस की बैठक खत्म। अयोध्या के डीएम और एसएसपी शाम 4:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फुटकर में आसमान पर चढ़ा प्याज का दाम। मोदी सरकार तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान से करेगी आयात। शनिवार को लखनऊ दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिफेंस एक्सपो की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सीज फायर का किया उल्लंघन। फायरिंग में एक नागरिक हुआ घायल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। बढ़ते खबरों की ओर। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्यमंत्री पद के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों के मुताबिक अगर मामला जल्दी नहीं सुलझा तो जल्द ही शिवसेना महायुति से अलग हो सकती है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना का यह बड़ा दाव होगा। इस बीच सेना भवन पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल ने कहा है कि सीएम शिवसेना से होना चाहिए। हम उद्धव ठाकरे के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक हमें बताया जाएगा तब तक होटल में रहेंगे। खबर बदायूं से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने आगामी अयोध्या प्रकरण में आने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दृष्टिगत बदायूं जनपद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया, जिसमें ड्यूटी में लगे समस्त मजिस्ट्रेट, पुलिस राज्य पत्रित अधिकारी और समस्त थाना प्रभारी सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम बलवा ड्रिल में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। आपके पास अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उस पर नियंत्रण के लिए भीड़ पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़ने, कैन चार्ज, लाठी चार्ज, फिर फायरिंग का सिलसिलेवार अभ्यास कराया गया। आगजनी और लोगों के घायल होने की स्थिति में मदद के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी अभ्यास में शामिल हुई। अधिकारी और कर्मचारियों को बताया गया कि किसी परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है और क्या कार्रवाई की जानी है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एक्शन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। खबर अलीगढ़ से। लगातार बढ़ रही प्याज और टमाटर की कीमत से आम ग्राहक परेशान हो गया है। दरअसल आम ग्राहकों के साथ ही खाने के व्यवसाय कर रहे होटल स्वामियों को भी अब बढ़ती प्याज और टमाटर की कीमतों ने आगे का सोचने पर मजबूर कर दिया है। लगातार बढ़ रही प्याज और टमाटर की कीमत में आम जनता के लिए तो मुश्किल पैदा कर ही रखी है, साथ ही होटल का कारोबार करने वाले व्यापारियों भी खासे परेशान है। व्यापारियों का मानना है कि होटल के काम में सलाद के लिए यही दोनों चीज आवश्यक हैं, साथ ही भोजन पकाने में इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है और इनकी कीमत बढ़ जाने से होटल व्यवसायी ग्राहक से अधिक कीमत नहीं वसूल सकते, जिसके चलते उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं आम घरों में इस्तेमाल होने वाले प्याज और टमाटर से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है और कीमत अधिक बढ़ जाने से आम जनता काफी परेशान है। जैसे कि हम पहले सब्जी लेने बाजार जाया करते थे तो टमाटर 20 रुपये, प्याज 30 रुपये करीब रेट हुआ करता था। आज दोनों का समान रेट पहुंच चुका है, 80-80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो लेने में बड़ी समस्या आ रही है। और प्याज व टमाटर का उपयोग हर एक सब्जी में होता है, बनाने में होता है, कम से कम लाया जा रहा है। दूसरी चीज़ों पर स्विच कर रहे हैं जैसे कि एग्स वगैरह। सरदा इस मामले सरकार को कुछ सजग कदम उठाने चाहिए जिससे कि शीघ्र से अतिशीघ्र इनके दामों में जो उछल आया है वो खत्म हो। तो होटल व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ रहा है सर? देखिए, जो चीज़ पहले आती थी 20 रुपये 10 रुपये किलो, आज रेट डबल हो गया उससे, और रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कल एक दो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इतना सब्जी का रेट बढ़ चुका है, प्याज का, टमाटर का। इससे सर हमारा प्रॉफिट तो बहुत उनकी बात है, नुकसान जा रहा है हमें। हमें नुकसान की भरपाई बता नहीं सकते हैं। इतनी महंगे सामान पता नहीं क्यों हो रहा है, इतना दिन ब दिन महंगी चीज़ें होती जा रही हैं, प्याज भी, टमाटर भी, हर चीज़ महंगी मिल रही है।
हत्या के उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में एक बार फिर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आया है। बता दें, ताजा मामला इटावा जनपद के जिला अस्पताल का है, जहां पर ऑपरेशन और इलाज के नाम पर तीमारदारों में मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर डॉक्टर 10,000 से 20,000 तक ऑपरेशन के नाम पर गरीब तीमारदारों से ले रहे हैं, बावजूद इसके जिला प्रशासन पूरी तरीके से नींद में दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर तीमारदारों ने जिला अस्पताल के अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि उनसे इलाज के नाम पर लगातार मोटी रकम अस्पताल के डॉक्टर वसूल रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले को लेकर जिला अस्पताल के मुख्य अधीक्षक SS भदौरिया ने बताया कि पूरे मामले में जांच करवाकर डॉक्टरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया है कि इससे पहले भी अस्पताल के डॉक्टरों के जरिए रुपये लेने के मामले आए हैं, लेकिन डॉक्टर उनकी बात नहीं मानते और बराबर इलाज के नाम पर मोटी रकम लेने में लगे हुए हैं। हमने इन डॉक्टरों को कई बार लिखित रूप में दिया है कि आप इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त न रहें, और अगर रहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऊपर उच्च अधिकारियों को भी लिख दिया जाएगा, जिसमें आपकी ACR भी एंट्री की जाएगी, जो कि हम हर वर्ष एनुअली देते हैं आप लोगों को, बैड एंट्री हो जाएगी आपकी, आपकी वेतन रुक सकती है, आपको 3 महीने DVAR किया जा सकता है ऑपरेशन थिएटर से, जिससे आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कार्रवाई मुझे आइंदा न मिले, इस तरह की मैंने पत्र इनको कई बार दे चुके। बावजूद इसके सर सुधार की कोई आशंका नहीं जताई जा रही, क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं, मुझे तो भाई कोई एक आध दो कोई केस अगर इस तरह के हो जाते हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम मैंने बहुत प्रयास किया है जिससे कि ये रुक। लेकिन सर आज तीमारदार आपसे खुद मिले हैं आके और कहा है कि हमसे यहाँ पर ऑपरेशन के नाम पर रुपए लिए जाते हैं, ऐसे में सर आज आप क्या करेंगे कार्रवाई? आज हम इनकी समस्याएं सुनेंगे और डॉक्टर्स को बुलाएंगे कि आपने इस डेट में इस मरीज से इस तरह से आपने पैसे लिए तो क्यों लिए, और क्या ये सच है या नहीं है, इस तरह की हमें जो है पूरी बात बताएं। अगर सर रुपए लिए होंगे तो क्या कार्रवाई होगी? अगर रुपए लिए होंगे तो तीमारदार को पूरे पैसे वापस करवाए जाएंगे और दूसरी बार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना कुआरसी क्षेत्र के रामबाग चुंगी के निकट नाले में एक अज्ञात शव मिला है जो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। कुआरसी थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष है और उसके एक पैर में काली पैंट का टुकड़ा और गले में मटमैले कलर की शर्ट का कॉलर मिला है। उन्होंने बताया कि उसकी पैंट की जेब से कुट्टू की एक CC भी बरामद हुई है। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है, साथ ही पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है। ऐसे देखा पहले आपकी नजर गई थी तो क्या देखा आपने? तो मैं देख लग रहा कि लहाजे साथ। फिर किसको बताया? तो फिर मैंने तो नंबर कॉल किया। अच्छा, ये था, मैंने कहा कि बोला कि जाई घर है तो क्या बताती को हम तो इसमें लग रहे लहाज पड़ा है हम यहां आ गए। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में दिनदहाड़े घर में वृद्ध महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मामला सिसोलर थाना क्षेत्र के भट्टुई गांव का है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पर डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सिसोलो थाने की एक मटुरी गांव है, वहाँ पे एक परशुराम मिश्रा हैं, उनकी पत्नी करीब करीब 55-60 साल के आसपास थी। उनकी गला रेत के हत्या की गई है। परशुराम मिश्रा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें थाना सिसोलो पे 188/19 धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सहित सारे अधिकारी मौका मुआयना किए हुए हैं। घटना की सत्यता की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आता है, किस कारणों से हत्या हुई, कैसे हुई है, इसकी जानकारी की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना करीब मुझे मैं गांव में ही था,
लगभग 10:45 के आसपास हमें सूचना मिली है गांव में हादसा हुआ है, और जब यहां पर मौके पर आए तो ये मामला संदिग्ध माना गया है। लोग खुद हम देख नहीं पाए, बॉडी भी नहीं देख पाए हम भी, और विशेष उस तरह का कोई मामला हमें समझ में नहीं आ रहा, संदिग्ध में है इस समय जो भी है। ये कौन कौन रहता था यहाँ? यहाँ परशुराम मिश्रा, इनका घर है ये, उनकी पत्नी, दो ही लोग रहते थे, पति पत्नी, इनका एक बच्चा है जो बाहर रहता है। वो पुलिस आई थी रात में? हाँ, CO साहब भी आए थे, पुलिस भी आई थी, अब जांच कर रही है पुलिस, जो भी उसका मामला होगा पुलिस बताए, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है, जो भी मामला आएगा सामने वो होगा। चलिए बात असम की कर लेते हैं। असम अरुणाचल सीमावर्ती क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के बराचलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध ढंग से पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश में कई अवैध ढंग से बैठाए गए काठ यानी आरा मिलों में कुंदों की कटाई कर लकड़ियां तिनसुकिया जिले के रास्ते तस्करी के जरिए बाहरी राज्यों में भेजी जा रही हैं। लग रहे आरोपों के अनुसार इस विषय में तिनसुकिया जिला वन विभाग आंखें मूंदे बैठा है, लेकिन तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक शीलादित्य चेतिया के नेतृत्व में अभियान चलाकर इस तस्करी को रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में तिनसुकिया जिले के रास्ते अवैध ढंग से ले जाए जा रहे लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ वन विभाग के हवाले कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि तिनसुकिया पुलिस के जरिए ट्रक नंबर RJ14GF2711 को पकड़ा गया है। इस पर लाखों रुपये का काठ भरा पड़ा था। पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ वन विभाग के हवाले कर दिया है। इसके बाद एक और ट्रक को पकड़ा गया। लगातार ट्रक पकड़े जाने की घटना यह साबित करती है कि BJP के शासनकाल में तिनसुकिया जिले के रास्ते काठों की तस्करी हो रही है। मोदी जी का नेतृत्व में जब BJP सरकार आया उसके बाद हर बात पे वो BJP का जो नेतृत्व में है अभी असम चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर और जो PM का तरफ से स्वच्छ जो सरकार का बात कर रहा है वो जोथा सा झूठ है। हम लोग ये कहना चाहते हैं असम, अपार असम, बेसिकली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश से जो अवैध ये काठ का व्यवसाय हो रहा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश का CM, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, असम गवर्नमेंट का CM और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का खास आदमी का थ्रू ये व्यापार हो रहा है। और इसमें अभी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो SP है शीलादित्य सेठिया जी, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका नेतृत्व में आज 3-4 दिन से लगातार अवैध जो लकड़ी का कारोबार है उसको बंद करने के लिए वो लग रहा है, और वो अभी 3-4 गाड़ी पकड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट को कि फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिसर जो है वो लोग का सहयोग में ये व्यापार चल रहा है। तो इसको बंद करने के लिए हम लोगों ने यूथ कांग्रेस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का तरफ से डिगबोई का जो डिवीज़न का DFO है, दुमदुमा डिवीज़न का DFO और डिब्रुगढ़ डिवीज़न का DFO, और इसके बाद CM, PCCF, SCF और अपार असम का कंजर्वेटर को हम लोग एक लेटर दे के रखा है कि इसका ऊपर में एक CID का जो ये इंक्वायरी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर गवर्नमेंट अगर ये करेगा तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये सारा बाहर आ जाएगा। देखा जाता बीच बीच में काफ़ी सारा सुरंग के जरिए अरुणाचल से काठ और बहुत सारा सामान असम होकर के पार होकर के जाता है। कई बार तिनसुकिया पुलिस सुरंग काठ जब्त किया है, और मेरे को सुनने में आया है कल परसों भी युव मोर्चा का जो जिला प्रेसिडेंट है उनका नेतृत्व में पुलिस का साथ बहुत सारा मात्रा में काट जब। तो असम के तिनसुकिया में बीते 1 नवंबर से राज्य के कई जिलों में मध्यान्ह भोजन कर्मियों के जरिए सरकारी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन देने की जिम्मेदारी NGO को दिए जाने का भारी विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के चलते सरकार ने भले ही कई जिलों में NGO को इस जिम्मेदारी से हटा दिया है, लेकिन तिनसुकिया जिले में भारी विरोध के बावजूद अभी भी मध्यान्ह भोजन घनश्याम सेवा समिति नामक NGO के जरिए दिया जा रहा है। आज तिनसुकिया के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में जो भोजन दिया गया वह निम्न स्तर था।
चलिए देखिए ताहिम मुस्लिम जिन्होंने हम लोग जब से ये घनश्याम सेवा समिति नाम का एक एनजीओ को असम में खाना देने का जो ये टेंडर दिया हुआ है, हम लोगों ने बार बार बोला हुआ है कि ये दिल्ली से भगाया हुआ ये एनजीओ है। दिल्ली में वो लोगों का खाना खराब था, वो लोगों का सर्विस अच्छा नहीं था, इसीलिए वो लोगों को भगा दिया गया। फिर भी असम का सरकार ने ये लोगों को इज्जत दे के वो लोगों को देखा है कि ये लोग असम का जो टेंडर ये लोगों को दिया गया है। हम लोग बार बार बोल रहे थे ये लोगों को नहीं खाना देना चाहिए, ये लोगों को काम नहीं देना चाहिए, फिर भी हम लोगों का जो डिमांड है ये लोगों को नहीं मान रहा है। गवर्नमेंट का शर्म का बात यह है कि गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्री असम सरकार का, उन्होंने ये एनजीओ के साथ उस दिन बैठक करके बोला है कि आप लोग अच्छा खाना दीजिए, ये सिर्फ बोल के वो लोग अपना जो है कि जिम्मेदारी वो लोग हार चुका है। हम लोग बार बार आह्वान कर रहे हैं, लास्ट बार आप बोल रहे हैं अगर ये एनजीओ को फिर से यहाँ ये टेंडर मिला, वो लोग फिर से खाना बांटा, तो हम लोग इसको प्रोटेस्ट करेंगे। अगर असम सरकार इसका ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग उसको यहाँ से भगा देंगे। ये छात्र छात्री के और स्टूडेंट का जीवन को लेकर हम लोग कभी खेलने नहीं देंगे। प्रॉब्लम है खाना में? वो खाना में बासी खाना है, इसीलिए है महक रहा है। हमेशा ऐसे ही आता है? नहीं, आज आया ऐसे, कल दिया रहा, मोटर दिया रहा, वो भी सीधा नहीं है, कच्चा है। आज भी वो बसाया हुआ है खाना, हाँ महक रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।